हमारा स्टेडियम और बाकी दुनिया के स्टेडियम में जमीन आसमान का फर्क था। किसी भी लिहाज से वो इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं था। माजरत के साथ आपका कोई स्टेडियम इंटरनेशनली क्वालिफाई कर ही नहीं सकता था। ना सीटें थी, ना बाथरूम थे, और व्यू ऐसा था कि आप 500 मीटर दूर से देख रहे हैं। ये चीजें नॉर्मल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कुछ बनाना है। सिर्फ ये कि लास्ट मिनट पे नहीं चीजें करनी चाहिए, फिर कुछ ना कुछ मिस हो जाता है। सिंस वी हैव इनफ टाइम अभी से इस चीज को, अभी से अपडेशन में नेशनल स्टेडियम हम रोज गुजरते हैं, वो बाहर रंग होने वाले हैं, हमें पैसे नहीं। मैं ये कल ही करा दूं, ये मैं कहना नहीं चाह रहा था, लेकिन ये फिर घूम के बात किस पे आ जाएगी? वसीम, इसी बात पे आ जाएगी कि जो मैनेजमेंट ऐसे कर रहे हैं उनको तो 4 महीने मिले खाली आगे। आईसीसी का जो आईन है वो यही कहता है कि अगर कोई हुकूमत मना कर दे अपनी टीम को कि भाई आपने उस मुल्क नहीं जाना सिक्योरिटी रीजन की वजह से, तो फिर आईसीसी भी उसमें कुछ नहीं कर सकता। मैं दो तीन आपको मिसालें दूं। 96 में पाकिस्तान, भारत और श्रीलंका ने जो वर्ल्ड कप करवाया, श्रीलंका में मैचेस थे, वेस्ट इंडीज और ऑस्ट्रेलिया की टीमें नहीं गई, उनके पॉइंट फॉरफिट हो गए, लेकिन उन्होंने श्रीलंका जाने से इनकार कर दिया। 2003 में इंग्लैंड की टीम साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप खेली, लेकिन रॉबर्ट मुगावे की उस वक्त हुकूमत थी, वो जिम्बाब्वे नहीं गई। फिर मैं और आप यही 2009 में लंदन में थे, इंग्लैंड में जो 2009 का T20 वर्ल्ड कप हुआ उसमें जिम्बाब्वे ने पार्टिसिपेट करना था, लेकिन बर्तानिया की हुकूमत ने जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीम को वीजे इशू नहीं किए। मगर वो जो चैंपियंस ट्रॉफी है वो पाकिस्तान में होनी चाहिए, लेकिन लास्ट मेरी पर्सनल राय सही, लास्ट ईयर हम लोग चले गए थे वर्ल्ड कप खेल, लेकिन है ना है? क्यों गए थे नहीं जाना चाहिए था, नाजायज फायदा उठाएं, कहीं ना कहीं पैसों का ऑफर बड़ी हुई होगी, दूसरी साइड इफेक्ट दिखाएंगे दिखाए गए होंगे आईसीसी की तरफ से, या दूसरे साइड इफेक्ट जो होते हैं कि भाई प्रेशराइज किया होगा, भाई आप यहां कर जाएं थोड़े से मैच श्रीलंका कर जाएं, कर गए, आपको वहां स्टेप लेने चाहिए था। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं, और अभी चले वो पास्ट हो गया, अभी जो प्रेजेंट की बात करी जाए तो अब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी एक मेजर इवेंट आपके मुल्क में हो रहा है, और सिवाय इस टीम के हर टीम आने को तैयार है। तो भाई आपको अगर प्रॉब्लम है तो आप एक काम करें ना, विड्रॉ हो जाए, विड्रॉ हो जाए, उसकी जगह श्रीलंका आ सकता है, 8वें नंबर की टीम है। बड़ी मेहरबानी, आप वर्ल्ड चैंपियन है सर, आप स्पेस पे खेलने वाले लोग, हम लोग जमीन पे खेलने वाले लोग, तो हम लोग इसी तरह खुश है अपने मुल्क में, क्रिकेट करानी तो मुल्क में। देयर इज नो प्लान बी, देयर इज नो प्लान बी, प्लान ए ही है, और प्लान ए ये है कि पाकिस्तान तमाम मैचेस पाकिस्तान के अंदर कराएगा। ये इनडायरेक्टली उन्होंने मैसेज दिया, बट किसी एक टीम को लेकर टिपिकली आंसर नहीं किया, जो कि बहुत मच्योर होता है कि आप खुद वेला मत मचाएं। और ये दोनों के बीच में ऐसा आप देखिए, 4-5 दिन पहले जयशाह साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, जो एक मीडिया से उन्होंने बात की, उन्होंने भी इसमें बोला कि एज फॉर नो कोई डिसीजन नहीं हुआ। यानी दोनों तरफ से थोड़ा डिफेंसिव खेला जा रहा है, क्योंकि जब मौका आएगा तभी पता चलेगा। और पाकिस्तान के लिए सरदर्दी इसलिए नहीं है कि ये पाकिस्तान की बायलेटरल सीरीज नहीं है। ऐसी क्या वजह है पाकिस्तान में आगे चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलना चाहते? यार वजह तो हमारी नजर में एज ए पाकिस्तानी कोई ऐसी वजह नजर नहीं आ रही, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड सारी टीम, ऑस्ट्रेलिया एक अच्छी टीम है, इंग्लैंड है, और उसके बाद सारी जो टॉप टीम्स है ना वो पाकिस्तान में आगे खेल रही है। अगर वो सिक्योरिटी का जवाब बनाते हैं तो ये कोई जवाब नहीं है भाई, बाकी टीम्स भी तो आ रही है, उनको सिक्योरिटी का खर्चा क्यों नहीं है? अगर आपको है सिक्योरिटी का खर्चा, ये कोई बात नहीं है, क्रिकेट उनको खेलनी चाहिए अच्छी और पाकिस्तान आना चाहिए, कोई ऐसा मसला नहीं है सिक्योरिटी का। हमारे पास पाक फौज है, ठीक है, अच्छी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी और थ्रू आउट द टूर्नामेंट। ये तो पहले उन्होंने वो एशिया कप का भी यही काम शुरू किया हुआ था। ये मेरी, मैं इस पे 100-200% श्योर हूं कि अगर ये आप स्टेप एक दफा लेंगे ना, नेक्स्ट टाइम उठाने से पहले आवाज सोचेंगे। पिछली दफा उन्होंने लिया तो था, हमने पिछली दफा हम एग्री कर गए थे कि हाइब्रिड मॉडल पे चले गए थे, याद है आपको? देखें पास्ट में, पिछला भी और उससे पहले भी बहुत सारी चीजें होती थी, फिर कॉम्प्रोमाइज किया, फिर कहीं ना कहीं होते थे, मगर कब तक काम चलेगा इस तरह? एक ना एक दिन तो होगा ना, हो सकता है ये सुनने में जो आए फिर क्या थोड़ा जज्बाती हो गया, यूं जज्बातियत नहीं है, पाकिस्तान की बात है। हाँ, पाकिस्तान की बात है, और दूसरी बात ये एक मेजर इवेंट आपको आईसीसी ने दिया है, कोई भीख में नहीं आया, आपको दिया है, आप इस चीज को ऑन करें कि हम करा सकते हैं। 17 साल के बाद आपको बता, मैं प्लेयर हूँ, मैं टीम के साथ खेलता हूँ, मैं टीम का ट्रेवल करता हूँ, जो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी होती है ना उसमें भी एक स्टेप ऊपर होती है, जो टीमों को गैर मुल्की, भाई आप स्पेस से उतरे हुए आदमी हो क्या? सही है, वो तो इन दी एंड आप इंसान ही हो ना, इनके अपने मुल्क में भी इतनी सिक्योरिटी इनको इस टीम को नहीं मिलती होगी जितनी यहाँ मिलती है। कोई भी टीम आए, जिम्बाब्वे हो, वेस्ट इंडीज हो या ऑस्ट्रेलिया हो, ऑस्ट्रेलिया खेल के जा रही है, न्यूजीलैंड खेल के जा रही है, इंग्लैंड खेल के जा रही है, आप स्पेस से उतरे भाई, आप फिर स्पेस पे खेल लो। तो इसमें फौरन फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक स्टैंड लेना चाहिए ना, लोग बनता है, क्यों नहीं बनता? जब तक नहीं लेंगे वो इसी तरह आपको ठुड्डा मारते रहेंगे, ये लफ्ज इस्तेमाल करना नहीं चाहिए, मगर वो फिलहाल ठुड्डा ही मार रहे हैं कि वो, अगर वो बोल रहे हमने ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दी, मगर वो बैकग्राउंड तो बना रहे ना, कान में डाल रहे आपकी बात, जहां आप हल्का पड़े वो ले जाएंगे, क्योंकि पिछली दफा यही हुआ था कि आपने थोड़ा सा प्रेशराइज हुए, आपने श्रीलंका में करा दिया, भाई करा भाई, क्यों पैसा हर चीज छोड़ी है? सही सही, मुल्क से पड़ के है कुछ कुछ, इंडिया और पाकिस्तान का आपको पता है कि 1947 से मसले क्लैशेस चले हैं, चाहे 65 की जंग हो, चाहे 75 की जंग हो, या जो भी था, मतलब कि मसले मसले चल रहे हैं। तो यार क्रिकेट को क्रिकेट रहने दो, पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स क्यों नहीं अलग अलग करते? हां मैं यही बात बताने जा रहा था, आप देखिए जेवलिन में अर्शद और नदीम, सॉरी अर्शद नदीम और नीरज चोपड़ा कैसे साथ साथ मिलकर खेले,
है, चाहे कॉमनवेल्थ 2022 था, चाहे टोक्यो ओलंपिक्स 2020 था, उसके बाद 2024 पेरिस ओलंपिक्स था, दोनों कंट्रीज प्रेस कर रहे हैं, पाकिस्तानी नीरज को कर रहे हैं, नीरज की वालदा पाकिस्तानी नेशनल टीम को कर रही है। इसी तरीके से क्रिकेट को साथ लेके आए, पता चले कि यार विराट कोहली बाबर आजम इकट्ठे खेल रहे हैं, बुमराह शाहीन इकट्ठे खेल रहे हैं, रिजवान रोहित इकट्ठे खेल रहे हैं, दोबारा से क्रिकेट यूनाइट। जब बड़े टूर्नामेंट्स में हमें पाकिस्तान इंडिया की टीम आपस में खेलती नजर आती है, जब सेरेमनी होती है वहां पे आपने देखा होगा या ऑन द ग्राउंड देखा होगा पाकिस्तानी प्लेयर इंडियन प्लेयर बड़े आपस में घुल मिल के बड़े दोस्ताना माहौल में नजर आते हैं, प्लेयर्स आपस में बिल्कुल ठीक है, लेकिन हुकूमत ऐसा क्यों नहीं चाह रही? देखिए बिल्कुल, अगर प्लेयर्स के हाथ में ये डिसीजन होता तो 110% विराट कोहली रोहित शर्मा सबसे पहले आपको पाकिस्तान में नजर आते। विराट से प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्वेश्चन हुआ, विराट ने कहा अगर बॉन्डे लाओ किया मैं जाऊंगा, रोहित ने कहा मैं भी जाके खेलना चाहता हूं। मतलब ये है कि प्लेयर्स रेडी हैं, मेंटली भी और फिजिकली भी रेडी हैं, लेकिन बोर्ड में कहीं ना कहीं मसले हैं। अब ये जय शाह का है, नरेंद्र मोदी का है, या किस बंदे का है, लेकिन मैं उसे कहूंगा कि यार अगर पाकिस्तान इंडिया आया था तो आपको भी पाकिस्तान आना पड़ेगा। ये वजह तो नहीं है कि वो पाकिस्तान में क्रिकेट ही नहीं देखना चाहते, जिस वजह से इस तरह की इनिशिएटिव लेते हैं। सर कह सकते हैं आपके कहीं ना कहीं पाकिस्तान को 2008 के बाद जब पाकिस्तान में एक ट्रेजिक हादसा हुआ वो हमने माना के हुआ, उसके बाद हमारी क्रिकेट को बहुत पीछे धकेल दिया गया, हमने बड़े टफ 8 से 10 साल गुजारे। 2017-18 में वर्ल्ड 11 आई, उसके बाद छोटी छोटी टीम जाना शुरू हुई, जिम्बाब्वे आई, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमने इंग्लैंड बुला लिया, ऑस्ट्रेलिया बुला लिया, ऑस्ट्रेलिया में भाई डेविड वार्नर आया, मिचेल स्टार्क आया, पूरी सीरीज खेल के गया वो, बड़े प्लेयर्स आए थे। उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी में ऑस्ट्रेलिया ने कोई इशू नहीं किया इंग्लैंड ने, इंग्लैंड ने तो बल्कि बोला इंडिया को भी बोला कि हम भी जा रहे हैं आप भी जाएं। तो यार बाकी बड़ी टीम सेना कंट्री जब आई है तो इंडिया और पाकिस्तान में कोई इतना ज्यादा नहीं है, इंडिया के भी वही हालात है जो पाकिस्तान के हालात हैं। जो हिंदुस्तान का इधर ना आने का अंदिया दिया है मीडिया ने, या उससे पहले एशिया कप में खुद क्रिकेट बोर्ड ने कहा था, उसमें सिक्योरिटी इशू नहीं है। अगर वो कहें भी तो सिक्योरिटी इशू नहीं है, क्योंकि इसलिए इशू नहीं बनता कि तमाम दुनिया की टीमें आके खेल रही हैं और किसी को कोई मसला नहीं हो रहा, तो हिंदुस्तान के लिए कौन सी क्यामत आ जाएगी अगर वो इस तरफ आते हैं। असल में जो चीज हमें बिल्कुल वाजे करके आईसीसी के सामने लानी चाहिए, उसके तमाम मेंबरान को इंफरादी तौर पे भी पहुंचानी चाहिए कि ये जो पॉलिसी है बैनुल अक्वामी के खेल और सियासत अलहदा रखे जाएं, वो हिंदुस्तान नहीं रख रहा, बल्कि उल्टा ये कर रहा है कि क्रिकेट के खेल को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान को तन्हा करने के लिए, पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए। ये बड़ी अहम बात है, ये सिक्योरिटी इशू नहीं है, ये एक सियासी हथियार है जो वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि इसी बहाने में वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात भी खत्म करें, इसको तन्हाई का शिकार करें, और ना सिर्फ क्रिकेट में वो ये ऐसा कर रहे हैं बल्कि हर जगह भी वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो अगर ये मसला बड़े अच्छे तरीके से, अगर हमारा क्रिकेट बोर्ड में इतनी इस्तेदाद हो तो अच्छे तरीके से आईसीसी तक पहुंचाए एक प्लेटफॉर्म पे भी, और इनफरादी तौर पे जितने ममालिक हैं उनको भी ये बावर कराए, निशीन कराए कि अगर सिक्योरिटी का मसला हो तो हम हर तरह के इंतजाम करने को तैयार हैं और किए भी जा सकते हैं, कोई खास ऐसी भी चीज़ नहीं जिसकी वो निशानदेही करें। लेकिन ये चूंकि मसला सियासी है लिहाजा आईसीसी इसका नोटिस ले, हिंदुस्तान को मजबूर करें कि वो जाके खेलें, अगर वो नहीं खेलते तो उनके पॉइंट सारे काटे जाएं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन बदकिस्मती मजीद ये है कि आईसीसी जो है जिसको तो कई क्रिकेट के हल्के में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की बजाय इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहा जाता है, क्योंकि मुकम्मल हावी है भारत का बोर्ड आईसीसी पे, और वजह उसकी वही है कि वहां पे क्रिकेट को बड़ी कॉर्पोरेट सपोर्ट हासिल है, बहुत पैसे बनते हैं। दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए पाकिस्तान ने तैयारियां शुरू कर रखी हैं, और उस तैयारियों के जो अंडर जो पाकिस्तान के जितने भी जो स्टेडियम है जिनमें चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेज होने हैं, उन स्टेडियम को अपग्रेड किया जा रहा है और तोड़ फोड़ करके उनको जो है रिनोवेट करने का काम स्टार्ट कर दिया है। हालांकि अभी से टाइम है 4-5 महीने का, 2025 के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान के जो स्टेडियम थे वो इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड होते हैं उसके अकॉर्डिंग वो बने हुए नहीं थे। ये जो है पीसीबी के जो चेयरमैन थे, चेयरमैन जो है मोहसिन नकवी, उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट किया बात कि वहाँ के जो कंस्ट्रक्शन थी, वहाँ के जो सिस्टम जो बना हुआ था वो इंटरनेशनल जो स्टेडियम होते हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं थे। तो इसके हिसाब से जो पाकिस्तान के अंदर जो चैंपियंस ट्रॉफी कराने की सोच रहे थे वो वहाँ के स्टैंडर्ड जो मीट नहीं हो रहे थे, तो फिर उनको तोड़ फोड़ करके फिर से जो नए स्टेडियम बनाया जाएगा और वहाँ पर कुछ इंप्रूवमेंट किया जाएगा। लेकिन दूसरा जो रीज़न था वो सिक्योरिटी का रीज़न था, और आप सभी को तो पता ही है कि इंडिया का जो टीम का वो पाकिस्तान में ना जाना उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न सिक्योरिटी का है और सेफ्टी का है, क्योंकि 2009 का इंसिडेंट सबको याद है और पाकिस्तान के जो हालात है उसके हिसाब से भाई इंडिया की जो टीम है उसको किसी भी तरह का जो अगर नुकसान होता है तो ये बहुत ही बड़ा जो रिस्क होगा इंडिया की जो टीम के लिए, बीसीसीआई के लिए। तो इसके अकॉर्डिंग फैसला अभी बीसीसीआई ने कोई लिया नहीं है, कोई डिसीजन ऑफिशियली कुछ बताया नहीं है, लेकिन फिर भी जो है इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो नहीं चाहती कि भाई टीम इंडिया पाकिस्तान में जाए, और इंडिया की जो पब्लिक है वो भी नहीं चाहती कि टीम इंडिया पाकिस्तान जाए। और इसके लिए पाकिस्तान को बजट जो दिया गया है उसके अंदर जो है हाइब्रिड मॉडल का भी बजट हो सकता है, लेकिन अभी कोई डिसीजन या फिर ऑफिशियली कुछ भी अनाउंसमेंट हुआ नहीं है। लेकिन देखना यह है कि टाइम जब आएगा, चैंपियंस ट्रॉफी जब नज़दीक आती है, तब इंडिया का क्या स्टांस रहता है और बीसीसीआई का क्या स्टांस रहता है। देखना यह है कि टीम इंडिया पाकिस्तान जाएगी या नहीं जाएगी।